बिहार से नीतीश कुमार जी, यूपी से अखिलेश यादव, उधर जो है दिल्ली से अरविंद केजरीवाल, उधर जो है ममता बनर्जी, सारा विपक्ष एकजुट हो रहा है। अब नीतीश जी जो है साथ में सभी को लेकर के मोदी जी पर 2024 में वार करेंगे और मोदी जी को 2024 में गद्दी से हटाएंगे। आप लोग का क्या विचार है? प्रधान इसका कौन बनेगा? महागठबंधन के एकाध को नाम बताइए। नीतीश जी लीड करेंगे तो नीतीश जी ने बनेंगे जी। उनको तो बिहार में कुर्सी तो छिनाए के चलते इन्हें सोने जा रहा है। 2024 आते आते ये महागठबंधन खुद से बिखर जाएगा। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मैं बीजेपी का सपोर्टर हूँ या मोदी का, लेकिन ये लोग सत्ता के भूखे हैं, लालची हैं। नीतीश कुमार जी से लेके हर कोई, नीतीश कुमार महागठबंधन में जाने के बाद बस एक अपना छवि बचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। वो पीएम कभी दूर दूर तक वो सपना देख सकते हैं। पीएम आखिर तो उन्होंने बोल दिया, जो पीएम का नारा लग रहा था कि हमारा पीएम कैसा हो, तो नहीं हमें पीएम नहीं बनना है, क्योंकि उनको भली भांति एहसास हो गया है कि हमें विपक्षी पार्टी सपोर्ट करने वाली नहीं है। विपक्ष में जो है किसमें आपको पीएम वाला गुण दिख रहा है? कोई नहीं है सर। आपको दिख रहा है जी? कोई नहीं है। किसी में नहीं दिख रहा है? मोदी जी के अलावा किसमें ये पीएम वाला गुण दिख रहा है? मोदी जी के अलावा अगर पीएम का गुण है तो योगी जी में, विपक्ष में कोई नहीं है। विपक्ष में कोई नहीं है? हाँ, योगी बाबा बुलडोजर बाबा पीएम बनेंगे? पीएम बनेंगे, बन जाएंगे। हाँ, अभी भी बनेंगे। हाँ, एकदम बनेंगे। अच्छा, जय श्री राम नाम करके जय। मेरी समस्त माननीय मुख्यमंत्री बेहतरीन है बिहार के लिए, बाकी देश के लिए अभी नहीं संभव है। देश के लिए नीतीश जी नहीं है? नहीं। क्यों नहीं है देश के लिए? वो देश के लिए इसलिए नहीं है क्योंकि बिहार में उनका कार्य मेरे समझ से, मेरे तौर पे नहीं। क्या क्या बोली चाची? नीतीश कुमार करना अच्छा देश के लिए है? देश के लिए अच्छे नीतीश जी? अच्छा नीतीश जी है। क्या अच्छे मोदिया कर रखे थे तो बर्बाद करके गरीब के। मोदी बर्बाद कर, बर्बाद कर दल का है। क्या बर्बाद किया मोदी? 5,000 के अथी है, अथी कमाई हम ड्यूटी करे है, 5,000 रुपया दे। कैसे कह रहे हैं? माताएं बहने चूल्हा दे दिए, चूल्हा दे दिए फिर मान रहे, चूल्हा दे दिए फिर। बाकी आखने 12 रुपया है कीमत। अनाज दिए मोदी जी, अनाज तो सूरज में मिल रहा है सर, नीतीश कुमार दिए हमको ना। धन खाता दिए, अब क्या देंगे? खाता दे दे के पैसा कहाँ दिया गरीब आदमी? कैसे मर रहा है? ऐसे मर रहा है गरीब। नीतीश जी क्या दे दिए? नीतीश कुमार बहुत कुछ दिया, बेटी सबके पढ़ा लिखा के देखिए अच्छे कहले है। हाँ, नीतीश जी अच्छे हैं। नीतीश जी अच्छा है, मेरा पीएम बनाइएगा नीतीश जी। हाँ बनाएंगे 2024 में। हाँ बनाएंगे। मोदी को वोट नहीं दीजिए? नहीं देंगे मोदी का वोट। अच्छा, नहीं देंगे। गुस्सा कहे गई है मोदी? हम गुस्सा गए यही कारण कि हमको सब बर्बाद कर दिया बाल बच्चा के। मोदी बर्बाद कर, बर्बाद कर दिया। कैसे बर्बाद कर दिया? कैसे कर रहा है? कैसे कैसे बर्बाद कर दिया मोदी? बहुत कुछ बर्बाद कर दिया। चलिए और बातचीत करें। क्या जी सही में मोदी जी बर्बाद कर दिए? बर्बाद नहीं किए हैं, केंद्र के लिए मोदी जी नहीं है, लेकिन जी बिहार के लिए मुख्यमंत्री आरजेडी नीतीश जी है। अच्छा नीतीश जी। हाँ, बिहार के लिए नीतीश जी, केंद्र के लिए? केंद्र के लिए मोदी सरकार ही ठीक है। केंद्र के लिए मोदी सरकार सही है? कौन है जी केंद्र के लिए कौन सही है? केंद्र के लिए मोदी गवर्नमेंट सही है, मोदी सरकार है। बिल्कुल बिल्कुल। 200 रुपया तेल कहाँ से लेंगे? 200 रुपया तेल? अब तेल सस्ता हुआ छोरा। यानी मेरे सस्ता हुआ भैया, देखिए 5,000 रुपया हम कमाते हैं। 5,000 में 5 का बाल बच्चा है, कैसे करेंगे गुजर होगा? अच्छा। कोई फैक्ट्री में काम जाते हैं, 10,000 रुपया रहना चाहिए ना। अच्छा। गरीब आदमी का 10,000 दीजिए रुपया, गरीब आदमी कैसे जिएगा? अच्छा, ये बोलना चाहिए? पैसा नहीं दे रहा है? नहीं दे रहा है। महंगाई बढ़ गया, महंगाई बढ़ गया, इसीलिए मोदी जी से गुस्सा आ गया, गुस्सा आ गया। चलिए, आप लोग जो है किनको ज्यादा सपोर्ट करते हैं, मोदी जी को या नीतीश जी को? नहीं, अभी तो फिलहाल अगर देश का बात आए तो वहाँ पे तो भाई नरेंद्र मोदी के आगे नीतीश कुमार तो कुछ नहीं है। ऐसा क्यों? कई लोग कह रहे हैं कि सारा विपक्ष एकजुट हो जाएगा तो देश जो है बढ़िया हो जाएगा। विपक्ष इसके पहले 2G घोटाला, अच्छा दिल्ली का जो ओलंपिक हुआ था वो घोटाला, ये सब घोटाला किसके शासन में हुआ? सारा विपक्ष एक था। अच्छा, विपक्ष जब एक रहेगा तो घोटाला का सरकार रहे। विपक्ष अभी आवाज उठा रहे कि राफेल घोटाला भी मोदी जी के समय में हुआ। वो तो समय आने पर जब विपक्ष आएगा तो उसका जांच करवाएगा। अच्छा। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट तक ये लोग गए, उसमें जो सरकार ने हल्फनामा दायर किया या जो जवाब दिया उसके अनुसार ये हुआ कि कांग्रेस के रीजन के मुकाबले बीजेपी राफेल को सस्ता खरीदी है। अच्छा। जो लेटेस्ट इक्विपमेंट उसमें लगे हैं हथियारों से लैस हुआ है और कांग्रेस के मुकाबले इसके रीजन में वो कुछ सस्ता में खरीदा गया। देखिए, बिहार से नीतीश कुमार जी, यूपी से अखिलेश यादव, उधर जो है दिल्ली से अरविंद केजरीवाल, उधर जो है ममता बनर्जी, सारा विपक्ष एकजुट हो रहा है। अब नीतीश जी जो है
साथ में सभी को लेकर के मोदी जी पर 2024 में वार करेंगे और मोदी जी को 2024 में गद्दी से हटाएंगे, आप लोग का क्या विचार है? प्रधान इसका कौन बनेगा महागठबंधन का, एक आध को नाम बताइए। नीतीश जी लीड करेंगे तो नीतीश जी ने बनेंगे जी, उनको तो बिहार में कुर्सी तो छिनाए के चलते एनएस होने जा रहे हैं। सही में हां, सब 34 को राज मिला के केंद्र में सरकार बना लेगा, वो नहीं बना पाएंगे, नहीं बनाएगा नीतीश जी से कुछ नहीं हो पाएगा, कुछ नहीं होगा, बिहार संभालिए ना आएगा तो क्या करेंगे वो केंद्र को? जो एकजुट कर रहे हैं उससे क्या होगा? अपने में लड़ मरेगा, अपने में लड़ मरेगा, एकदम लड़ मरेगा कि हम बनेंगे तो हम बनेगा, हम बनेंगे हाँ, मतलब गिरा जाएंगे नीतीश जी, एकदम गिर जाएंगे। हाँ 2024 में आपको क्या लग रहा है? बिना एक भी सीट सांसद वाली पार्टी अच्छा चले हैं भारत में विपक्ष को एकजुट करने, लेकिन सारा विपक्ष एकजुट हो गई। ये सिर्फ उस समय कुर्सी की लड़ाई रहेगी, अच्छा 2024 आते आते ये महागठबंधन खुद से बिखर जाएगा। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मैं बीजेपी का सपोर्टर हूँ या मोदी का, लेकिन ये लोग सत्ता के भूखे हैं, लालची हैं। नीतीश कुमार जी, नीतीश कुमार जी से लेके हर कोई, आज भारत में जो भी मुख्यमंत्री हैं उनमें गरीब राज होने के बावजूद भी सबसे ज्यादा फैसिलिटी लेने वाले माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। अच्छा जी बिल्कुल, सबसे ज्यादा फैसिलिटी लेने वाले हैं। वही ना, मंत्री के एक बार में बढ़ जाएगा, कर्मचारी के कितना बढ़ता है आप बताइए तो? आप सुने होंगे कुछ दिन पहले महीने 34,000 रुपया मंत्रियों को बढ़ेगा, अब बढ़ा दिया गया। नेताजी के तो बिजली सब फ्री हो जाता है, फ्री हो जाता है, यातायात उनके लिए फ्री है, पेट्रोल हवाई जहाज, वो नौकरी नहीं करते, सेवा करते हैं देश का, आपको ये समझना ना चाहिए जी। देश के नहीं, जनता को लूटते हैं, अपने ऐश करते हैं। लेकिन देखिए बातचीत होगी, 2024 और 2025 में इलेक्शन है, सब समझ रहे हैं, 24 में पीएम बनेगा और 25 में बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा। तो 24 में नीतीश जी इतना सारा चीज जोड़ दिया, नीतीश जी पिछले बार बोले थे कि अब जो है आखिरी बार है, तो अब जो है 2024 में कहाँ जाएंगे नीतीश जी? इसलिए जान गए कि अब हम चुनाव जीत में नहीं करेंगे, कहाँ जाएंगे 2024 में? घर जाएंगे, घर जाएंगे, बिल्कुल नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, चाहे 2024 में पीएम नहीं बनेंगे क्या जी? 2024 में पीएम नहीं बनेंगे, बस हो गया नीतीश जी, नहीं बनेंगे सही में जी। नीतीश कुमार महागठबंधन में जाने के बाद बस एक अपना छवि बचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, वो पीएम कभी दूर दूर तक वो सपना देख सकते हैं। पीएम आखिर तो उन्होंने बोल दिया, जो पीएम का नारा लग रहा था कि हमारा पीएम कैसा हो, तो नहीं हमें पीएम नहीं बनना है, क्योंकि ये उनको भली भांति एहसास हो गया है कि हमें विपक्षी पार्टी सपोर्ट करने वाली नहीं है। इसके पहले पटनायक के पास गए, उनके दो जो चहिता थे उनको पटनायक ने क्या इज्जत दी आप बताइए, चलिए नवीन पटनायक जी ने। तो नीतीश जी की बात हो गई है, लेकिन अब कई लोग कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल भी पीएम का सपना देख रहे हैं, इधर कई लोग कह रहे हैं कि ममता बनर्जी भी पीएम देख रहे हैं, और इधर भी कुछ और भी नाम आते हैं जैसे नीतीश कुमार जी जैसे आ रहे हैं, और भी एक दो नाम आ रहे हैं, लेकिन कौन लग रहा है अगला 2024 में, क्या मोदी जी बनेंगे पीएम या विपक्ष में से कोई दूसरा चेहरा बनेगा? अभी के अनुसार जो माहौल है उसके अनुसार 99% चांस है कि पीएम बीजेपी की तरफ से ही होगा। अच्छा। अगर चेहरा मोदी जी बनकर आते हैं तो मेरे अनुसार मोदी जी ही पीएम बनेंगे, क्योंकि विपक्ष में इतना एकजुटता भी नहीं है और ना उस प्रकार का अंदर से ये है कि हाँ जनता को हम किसी अच्छा ये बताइए, आज महंगाई के समय बीजेपी सड़क पर उतरती थी, इनके सारे नेता रईसी हैं, एक जाएंगे छुट्टी मनाने मनाली, दूसरे जाएंगे लंदन, और जनता यहाँ आम जनता बोल रही है महंगाई है महंगाई है, विपक्ष सिर्फ मीडिया पे बोलते हैं, क्यों नहीं जनता के साथ रोड पर प्रदर्शन करते हैं? सिलेंडर का सही बोले हैं, जब गैस का दाम बढ़ा, सिलेंडर का दाम 10 रुपए 10 रुपए बढ़ता था तो स्मृति ईरानी बैलगाड़ी लेके प्रचार करती थी, पेट्रोल का दाम बढ़ता था, आज विपक्ष कहाँ है? विपक्ष सारे धन विपक्ष क्या करे, विपक्ष को सड़क पर उतरे, विपक्ष सारे धनवान हो चुके हैं, कोई विपक्ष सड़क पर उतरे, कोई विपक्ष सड़क पर जनता का साथ देने के लिए नहीं उतरेगा। शिक्षक अभ्यर्थी पर दरभंगा चौराहा पर लाठी चार्ज होता है, तेजस्वी यादव कब समर्थन में उनके आए, रेलवे वाले जो बात पर बवाल हुआ उतना तेजस्वी यादव कब न जनता को समझाए और न जनता के समर्थन में वो आए। कह रहे हैं मोदी जी के अलावा विपक्ष में कोई विकल्प नहीं है, विपक्ष में राहुल गांधी से लेकर कोई भी चेहरा नहीं है। राहुल गांधी पीएम लायक दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं आपको? देखिए दिखने के लिए तो पीएम लायक कोई भी दिख सकता है, लेकिन उनमें वो गुणवत्ता नहीं है, गुणवत्ता नहीं है। अच्छा किसमें गुणवत्ता दिख रहा है? अभी के अनुसार तो जो दिख रहा है मोदी दिख रहा है, मोदी जी दिख रहे हैं। चलिए इधर आइए। अच्छा अच्छा हमको ये बताइए, ये हमको इधर बताइए, विपक्ष में जो है किसमें आपको पीएम वाला गुण दिख रहा है?
कोई नहीं है सर। आपको दिख रहा है जी? कोई नहीं है, किसी में नहीं दिख रहा है। मोदी जी के अलावा किसमें ये पीएम वाला गुण दिख रहा है? कोई मोदी जी के अलावा अगर पीएम का गुण है तो योगी जी में, विपक्ष में कोई नहीं है। विपक्ष में कोई नहीं है, मतलब वैसे योगी में दिख रहा है। नीतीश जी बुलडोजर बाबा में, बुलडोजर बाबा में। हाँ, योगी बाबा बुलडोजर बाबा पीएम बनेंगे, पीएम बनेंगे, बन जाएंगे। हाँ, अभी भी बनेंगे, एकदम बनेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग रेबल न्यूज इंडिया। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।